कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोचना, एक ही एक चीज़ है वो रिपीट पर अपने दिमाग में चलना और उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, थॉट्स है उन पर अपना कंट्रोल नहीं रह पाना। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिसे कि हम ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर का एक सब टाइप है। एंजाइटी है जिसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में घबराहट, बेचैनी कुछ भी कहते हैं, उसका एक सब टाइप है ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर। वे लोग जिन्हें कि ओवर थिंक करने की दिक्कत होती है, एक ही चीज़ को बार बार बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने थॉट्स की वजह से वे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये मेंटल डिसऑर्डर्स में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। मेंटल लेवल्स पर चीज़ें अगर ठीक करनी हो, बिना किसी लत लगे, बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, तो होम्योपैथी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बात करें कि ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर क्या है, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें इसके सिम्टम्स को समझना होगा कि किसी पर्सन को क्या सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये कि बार बार उस पर्सन को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स। उसे कोई पॉजिटिव चीज़ है वो अपनी लाइफ में दिखाई ही नहीं देती है, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हावी होती रहती है। पर्सन है उसको रात को सोने में दिक्कत होती है, सोते सोते अचानक से चौंक जाता है, काफ़ी बार तो नींद ही नहीं आती, और नींद आती है तो भी सोते सोते चौंक जाता है, नींद में अजीबोगरीब सपने देखता है और फिर उन सपनों को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं ऐसे लोग जिनको ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर होता है। जिन बातों को नॉर्मली बाकी लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, उनको ये लोग दिल में बिठा लेते हैं और फिर उन पर बार बार उन बातों को सोच सोच कर अपनी तकलीफें हैं वो बढ़ाते रहते हैं। ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, ये हर वक्त एंग्जियस रहते हैं, एक तरह का डर, एंजाइटी, फियर है इन लोगों में कॉन्स्टेंट बना ही रहता है, जिसकी वजह से इन्हें बेचैनी, घबराहट है वो लगातार बनी रहती है, जिसकी वजह से ये अपना जो डेली रूटीन का काम है वो नहीं कर पाते हैं, हर बात में इन्हें घबराहट होती है। अचानक अगर कोई तेज़ आवाज़ हो जाती है उससे ये लोग डर जाते हैं, अचानक अगर कोई नया काम करना होता है, नई जगह जाना होता है, उसमें ये लोग डर जाते हैं, उस काम को उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते। इन सारे सिम्टम्स की वजह से इनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत ही पुअर होता है, बिल्कुल से भी चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो लोग पढ़ते भी होते हैं, किताबें सामने खुली रहती हैं, थॉट्स है वो कहीं और रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती है, उन्हें वो कहाँ थे, कहाँ उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए था, वो चीज़ों से हटकर वो अलग चीज़ों पे सोचने लग जाते हैं। ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, ये अपने रिलेशन, अपनी हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी सोशल स्टेटस, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, करियर की इन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, ये आपको किसी एक पर्सन में देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो पर्सन ओवर थिंकिंग डिसऑर्डर से परेशान हो। ओवरथिंकिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स में पास्ट की जो चीज़ें होती हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, यहाँ पर मैंने ये गलतियाँ की थी, इन चीज़ों को लेकर इनमें रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि हमें ये करियर लाइन चूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दो चीज़ों में लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया, मैं इस लाइन पे ऐसा सोच रहा हूँ, अगर आगे जाकर ऐसा नहीं होगा तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को लेकर इनकी तकलीफें हैं वो बढ़ती रहती हैं। इनको थॉट्स है वो लगातार आते रहते हैं, नींद में भी इनका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होता है, किसी ना किसी तरह के थॉट्स कॉन्स्टेंट चलते रहते हैं, जिनसे कि ये लोगों की बेचैनी, घबराहट है वो बढ़ती जाती है।
होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपकी ओवर थिंकिंग की ये समस्या है इसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपको कभी अचानक से कोई पैनिक अटैक आता है, आपको अचानक से इसके एपिसोड्स आते हैं, ऐसे में आपको डीप ब्रीदिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लंबे लंबे सांस लेने, लंबे सांस आपको छोड़ने हैं। डेली बेसिस पर योगा प्राणायाम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिंस की, तो सबसे पहली और सबसे टॉप रेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम ओवर थिंकिंग के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है फुल ऑफ एंजाइटी होती है, दुनिया भर की एंजाइटी इन पेशेंट्स में पाई जाती है। ये पेशेंट है, इनको क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, थोड़ी सी भी बंद जगह में ये नहीं रह पाते हैं, इनको घबराहट होने लग जाती है, बंद कमरे में ये लोग नहीं रह पाते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट काम से पहले इनका पेट खराब हो जाता है, इनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और अगर कल जो काम इनको करना है उसकी ये फुल प्लानिंग करते हैं, जीरो से लेकर पूरा काम कैसे क्या होगा इसकी पूरी प्लानिंग है अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट कर लेता है। इसकी डोजेज और रिपीटेशन है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन अर्जेंटम नाइट्रिकम के डोजेज और रिपीटेशन वेरी करते हैं। ये आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से डिस्कस करना है। अर्जेंटम नाइट्रिकम है वो मेनली हाई डोजेज में ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेसिया। इग्नेसिया है उन पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा काम करती है जिनका कि पास्ट में कोई भी खराब एक्सपीरियंस रहा हो, किसी का कोई रिलेशन में खराब एक्सपीरियंस रहा हो, किसी का कोई नज़दीकी व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई हो, हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ होने के बाद में दूसरा अगर लॉन्ग ग्रीफ में चल जाता है, बहुत लंबे समय तक उसको दुख रहता है, ऐसे केसेस में इग्नेसिया है बहुत अच्छा काम करती है। वे लोग जिनका कि बहुत डीपली जो लव में होते हैं और उनका फिर अचानक से एक लंबे टाइम बाद में अचानक से जिनका ब्रेकअप हो जाता है, उन केसेस में इग्नेसिया बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेसिया के पेशेंट का मूड है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहता है। एक मिनट में इग्नेसिया का पेशेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अगले ही पल में उसका मूड उतना ही ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। इग्नेसिया को भी थोड़ा सा हाइपोटेंसीज में अगर हम काम में लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम उन केसेज में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर पेशेंट को किसी तरह का कोई डर हो, फियर फ्राइट के केसेस में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को भीड़ से डर लगता है, क्राउड से डर लगता है, लोगों को फेस करने से डर लगता है, ऐसी स्थिति में जेलसीमियम 30 आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। जेलसीमियम 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए लेनी है। 7 से 15 दिन आप मेडिसिन लें, उसके बाद में कैसा क्या इफेक्ट रहता है आगे का ट्रीटमेंट आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलने के बाद में कंटिन्यू करें। कभी कभी पेशेंट है वो ओवर थिंकिंग, ये नहीं है कि सिर्फ बैड सेंस में हो, कई बार क्या होता है कि कोई गुड न्यूज़ सुनने के बाद में भी पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, नींद ना आने की समस्या अगर गुड न्यूज़ सुनने के बाद में हो रही है, ऐसी स्थिति में कॉफिया बहुत अच्छा काम करती है। कॉफिया 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको 7 से 10 दिन तक लेनी है। नेक्स्ट एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो कि ओवर थिंकिंग के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है। मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन में आपको लेना है एवियना सेटाइवा का मदर टिंचर और एश्वगंधा का मदर टिंचर। एवियना सेटाइवा है ये नर्व्स पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी तरह की कोई नर्व्स रिलेटेड दिक्कत है, नर्व्स वीकनेस है, वहाँ पर एवियना सेटाइवा बहुत अच्छा काम करेगी। अश्वगंधा भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा मेमोरी बूस्टर है। एवियना सेटाइवा और अश्वगंधा की 10-10 बूंद दोनों की आधे कप पानी में दिन में 3 बार आपको लेनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपकी ओवर थिंकिंग की कंडीशन में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगी। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर डोजेज और रिपीटेशन के बारे में सही से जानकारी देंगे। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हों।